वल्लैल कहते हैं रात, रात की कसम, और वद्दुहा, वद्दुहा कहते हैं सुबह चाश्त की कसम, सुबह चाश्त की कसम। तो अब इन दोनों सूरतों के अंदर जो हमारा माना निकल आ रहा है वो क्या है? पहले सूरह वल्लैल है और लैल का आगाज रात के जिक्र से हो रहा है और वद्दुहा इसके बाद है, तो वद्दुहा का जिक्र सुबह से हो रहा है। तो माना क्या मिल रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्या बात देना चाहते हैं कि वल्लैल का जिक्र करके पहले किया है? महबूब तेरे आने से पहले कायनात के अंदर रात ही रात थी, अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्मत ही जुल्मत थी, गुनाह ही गुनाह था। महबूब तेरे आने की वजह से, वद्दुहा के चेहरे के आने की वजह से कायनात के अंदर उजाला हो गया। सूरतों की तरतीब क्या माना दे रही है? अगर हम कुरान का बगौर आपने क्या किया है कि कुरान को गुलाब के अंदर लपेट कर अलमारी के अंदर रख दिया है और जब जरूरत पड़ती है तो इसकी कसम उठाती है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुरान कसमें उठाने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए, पढ़कर समझने के लिए और समझकर अमल करने के लिए दिया। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले सूरह वल्लैल को कुरान पाक में रखकर ये जो तरतीब है जहां उलमा करते हैं जिस तरह आयात है, आयात ये आयात भी तौकीफी है, कुरान पाक की आयात ये तौकीफी है, इसी तरह कुरान पाक की सूरतें भी तौकीफी है। तौकीफी का क्या मतलब है? तौकीफी का मतलब यह है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को नाजिल किया है इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी तरतीब को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, इल्म दिया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी तरतीब को भी नाजिल किया है। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कुरान पाक की आयात नाजिल होती तो नबी पाक अपने सहाबा से फरमाते थे ये आयात जो नाजिल हो रही है फला सूरत के फला मकाम पर लिख दो, फला मकाम पर लिख दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ साथ यह भी इल्म दिया है कि जो जो सूरत भेज रहा हूं, जो जो आयात भेज रहा हूं, जो जो अहकाम भेज रहा हूं, फला फला सूरत के अंदर महबूब तुम लिखवाते जाओ, ये इनकी तरतीब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वल्लैल का जिक्र पहले किया और वद्दुहा का जिक्र बाद में किया, और वल्लैल का इशारा है रात की तरफ और वद्दुहा का इशारा है दिन की तरफ। तो महबूब तेरी आमद से पहले, तेरे नजूल से पहले, तेरे इजलाल से पहले, तेरे मिलाद से पहले, इस कायनात में आने से पहले महबूब कायनात के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्म ही जुल्म था, जुल्मत ही जुल्मत थी, हर तरफ गुनाह का अंधेरा था, कहीं जिंदा बच्चियों को दरगोर करने का अंधेरा था, कहीं बुतों के आगे झुकने का अंधेरा था। महबूब तूने आकर कदम रखा है, तेरा चेहरा वद्दुहा हमने कायनात के अंदर भेजा है और तेरे आने की वजह से कायनात के अंदर रोशनी आ गई है, रात के अंधेरे छट गए हैं। और अगर आप ये सवाल करेंगे पूछें कि ये जो आपने वद्दुहा का माना महबूब की आमद का लिया है ये कहां से लिया है, तो आओ इस उम्मत का एक अजीम मुफस्सिर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दस देहली आप बताते हैं कि वद्दुहा से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम उठा रहा है और किस चीज की कसम उठा रहा है। आप बताते हैं वद्दुहा सुबह वलादत की कसम, सुबह वलादत की कसम। महबूब तेरी सुबह वलादत की कसम, जिस वलादत की वजह से कायनात के अंदर सारे अंधेरे जो छाए हुए थे वो छट गए। अब एक माना बड़ा खूबसूरत माना ये माना किया है हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर के अंदर। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी कौन है? ये मुरीद है हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा के। इसके मुरीद हैं ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा के मुरीद हैं। और कैसे मुरीद हैं? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी पर जब आखिरी वक्त आया नजा का वक्त आया तो शैतान भी आ गया,
नजर का बड़ा सख्त वक्त होता है। हम इन आसमानों पर क्यों आते हैं, अपने शहर की बारगाह में क्यों आते हैं, अपने चेहरे ने क्यों दिखलाते हैं? इसलिए कि ये हमें उस नजर के वक्त में याद रखे। इनके साथ शनासाई, इनके साथ निस्बत, इनके साथ ताल्लुक, आसमानों में आकर अपना चेहरा इन्हें दिखाना, इनके चेहरे की ज़ियारत करना ताकि पहचान रहे, और रज़ा के वक्त जब हम पर मुश्किल वक्त आए तो ये मुश्किल कुशाई के लिए आए। इसलिए हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु को जब आप पर आखिरी वक्त आया, आप बहुत बड़े इमाम हैं, इल्म के बहुत बड़े इमाम हैं, और उलमा ने आपकी सीरत के अंदर लिखा है कि आपके इल्मी मर्तबा और मकाम कैसा है। आप अगर बिस्मिल्लाह की तफसीर करें तो 10,000 मसाइल बिस्मिल्लाह के साबित करें। और जब आखिरी वक्त आया तो शैतान आया, शैतान ने कहा तो अल्लाह को मानता है, बड़ा फलसफी है, बड़ा आलिम है, बड़ा मुहद्दिस और मुफस्सिर है, अगर खुदा को मानता है तो उसके होने की दलील दे। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दलील दी, शैतान ने रद्द कर दी, दूसरी दी, तीसरी दी, चौथी दी, पांचवी दी, छठी दी, हत्ता के लगा कहते हैं 20 क्यों दलीलें इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने शैतान को दी अल्लाह के होने की, उसके वजूद की, तो शैतान ने सारी की सारे दलीलें रद्द कर दी। अब करीब था कि वो शैतान हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी को बेईमान करता। आखिरी वक्त तो आपके पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा तहज्जुद के वक्त आप अपने घर अपने आस्थाने पर वुजू फरमा रहे हैं, वुजू करते करते आप के खादम में लोटे के साथ पानी डाल रहा है, आपने अपने चुल्लू में पानी लिया और जोर के साथ दीवार के साथ मारा, मारकर फरमाया राजी इस लाइन से कह दे कि मैं अपने खुदा को बगैर दलील के मानता हूं। वो हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी है, अगर शैतान यह बात करता हूं क्योंकि उससे बाकी कर रहे, अगर शैतान बेईमान करने के लिए मुर्तद करके मारने के लिए आता है तो शैतान वो आता है रज़ा के वक्त ताकि मेरा मुरीद तेरा मानने वाला ईमान की दौलत लेकर जाए, वो मुर्तद करने के लिए आता है और ये मोमिन बनाने के लिए और ईमान पर मौत देने के लिए आता है। अगर शैतान आ सकता है तो शैतान क्यों नहीं आ सकता? शैतान आता है मुर्तद करने के लिए और शैख और पीर आता है ईमान बचाने के लिए। वो हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी आप फरमाते हैं कि बददुहा का माना क्या है, तफ़सीर कबीर का मुताला करें, सूरत का मुताला करें। आप फरमाते हैं बददुहा से मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत बददुहा कहकर कसम उठा रहा है, किस चीज की? महबूब तेरी अहले बैते अतहार के मर्दों की कसम, तेरी अहले बैते। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी का तकमा कर रहे हैं, ये तफसीर कर रहे हैं, ये मफहूम बयान कर रहे हैं। महबूब तेरी अहले बैते अतहार के मर्दों की कसम, और वल्लैल महबूब तेरी अहले बैते अतहार की मुखदरात इत्र और उनकी कसम। ये हजरत इमाम फखरुद्दीन तकमा करें बददुहा से मुराद अहले बैत खूने रसूल के मर्दों की कसम और खून रसूल की औरतों की कसम। अब अल्लाह की जरूरत है कि वो किसी की कसम में उठाए, अहले बैत थार की कसम में उठाए, अहले बैत थार के मर्दों की कसम में उठाए, अहले बैत थार की औरतों की कसम में उठाए, उसको क्या जरूरत है? अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर आप कुरान पाक को पढ़ें, जो जो चीज जो जो रिस्बत रसूलुल्लाह के साथ होती जाती है जिस चीज की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कसम उठाता है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम रखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कदम रखने की वजह से जमीन की कसमें उठाता है। अगर महबूब कभी जैतून की मिसबाक करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जैतून की कसमें उठाता है। अगर महबूब कभी तीन की मिसबाक करता है तो तीन की कसमें उठाता है। और अगर कभी महबूब अपने ऊपर चादर रखता है तो या अय्युहल मुदस्सिर कहता है, और कभी चादर ओढ़ कर लेट जाता है तो या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। यहां एक बात उलमा कुछ लगते हैं, कुरान पाक के अंदर दो लफ्ज आए हैं या अय्युहल मुदस्सिर और या अय्युहल मुज़म्मिल,
ये दो लफ्ज आए हैं, दो आयात हैं, दोनों का माना है चादर ओढ़ना। मुजम्मिल का माना भी चादर ओढ़ना और मुदस्सिर का माना भी चादर ओढ़ना है। लेकिन फर्क क्या है कि जब महबूब खड़े होकर चादर ओढ़ता है तो या अय्युहल मुजम्मिल कहा जाता है, और जब लेट कर चादर ओढ़ता है तो या अय्युहल मुदस्सिर कहा जाता है। या मुदस्सिर कहा जाता है। तो हजरत इमाम की राजी अल्लाह ताला को माना करते हैं, वद्दुहा महबूब तेरी अहले बैत इतहार के मर्दों की कसम, मर्दों की कसम क्यों खाई जा रही है? गौर करना चाहिए कि वो अल्लाह अहले बैत इतहार के मर्दों की कसम क्यों उठा रहा है। इसलिए उठा रहा है जिस तरह दिन वाजे होता है, रोशन होता है, बयान होता है, इसी तरह अहले बैत इतहार के अफराद का करदार बयान और वाजे होता है, रोशन होता है। वो लोग जो सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की जात के हवाले से, सैयद इमाम हसन की जात के हवाले से इबहाम का शिकार है, उन्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले बैत इतहार के मर्दों की कसम उठाई है कि इनका करदार बिल्कुल वाजे है, इनके करदार के अंदर कोई इबहाम नहीं है। और अहले बैत इतहार के मर्दों की कसम वल्लैल, और अहले बैत इतहार के औरतों की कसम मुकद्दरात इफ्फत की कसम, मुखदरात इबरत की कसम। अब औरतों की कसम क्यों उठाई जा रही है? जिस तरह रात छा जाती है ना, रात का अंधेरा छा जाता है, इसी तरह अहले बैत इतहार की मस्तूरात मुखदरात इबरत उन पर पर्दा छाया हुआ है, पर्दा छाया हुआ है। ये जो बयान किया जाता है वाकई करबला के अंदर, माशाल्लाह मैं तो नहीं चीजों को मानता कि अहले बैत इतहार की वो पाक बीवियों पे पर्दा हुई, ये हुआ ये हुआ ना, हाँ कुछ हुआ, लेकिन वो उन्हें पर्दा अपना कायम रखा, उन्हें अपना पर्दा कायम रखा है। उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूटे हैं करबला के अंदर, लेकिन उन अपने पर्दे पर उन्हें आंख भी आने दी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम खाता है, वो कैसा पर्दा है। एक यहां जिसे पाक दलील में पेश करता हूं, हदीस की सारी किताबों के अंदर यह बात मौजूद है, सहाबा मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, मेरे सहाबा मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। सहाबा कहते हैं, या अल्लाह आप तो हमारे सवालों का जवाब देने के लिए इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए हैं, आप हमसे सवाल करते हैं, हम क्या जवाब देंगे? तो नबी पाक ने फरमाया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। पूछिए, श्याबा ने अर्थी यादला पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं हम? जो भी हमारी अकल शोर जवाब देगा उसके खिलाफ जवाब देंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ने पूछा, मेरे सहाबा ये बताओ कि औरत मेरी माए बहने बेटियां सुन रही हैं, वो भी इस तरफ तवज्जो करवाए, औरत की सबसे बड़ी शान और खूबी क्या है? औरत की सबसे बड़ी शान और खूबी क्या है? तो हर सहाबी एक दूसरे की तरफ देखता है, क्या जवाब दे? नबी पाक ने फरमाया, जवाब दो, मैंने तुमसे सवाल किया है, मेरे सवाल का जवाब दो। तो हर सहाबी अपने शऊर के मुताबिक, अपने फहम के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक जवाब दे रहा है। तो पास ही हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे, उठकर हुजराए फातिमा में गए। तो जाकर सैयदा तैयबा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाते हैं और कहते हैं, फातिमा जी बताओ कि औरत की सबसे बड़ी खूबी और शान क्या है? सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बड़े सवालिया अंदाज में हजरत मौला अली की चेहरे पर देखा, अली ये सवाल तुम कर रहे हो, ये तुम्हारा सवाल है, ये सवाल अली नहीं कर सकता, ये किसने सवाल किया है? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे, फातिमा ये सवाल अली का नहीं, ये सवाल आपके अब्बा जान का है। आप हमारे लगी, मुझे पता है मेरे बाप के सिवा कोई दूसरा ये सवाल नहीं कर सकता। जब ये सवाल किया है तो सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला
आप फरमाती हैं ज्यादा जवाब दो कि औरत की सबसे बड़ी खूबी यह है, सबसे बड़ी शान यह है कि औरत की नजर किसी गैर मालूम मर्द पर ना पड़े। अगर जली रजिल्लाह तआला फौरन मुजरा है आयत फातिमा से निकले, आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठे और हाथ खड़ा किया जवाब देने के लिए, या अल्लाह मैं जवाब दू? फरमाया तुम जवाब दो, तुम जवाब दो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जवाब देते हैं, या अल्लाह औरत की सबसे बड़ी खूबी शान यह है कि उसकी नजर कभी किसी गैर मालूम पर ना पड़ी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवालिया दरूद से अली की तरफ देखा, अली ये जवाब तुम्हारा है? अर्ज करेंगे या अल्लाह ये मेरा जवाब नहीं दिया, आपकी बेटी का तुम्हारे लगे, मेरी बेटी फातिमा के सिवा इस सवाल का जवाब कोई दूसरा नहीं दे सकता, क्योंकि जिसकी ये शान है, जिसका ये मर्तबा है, जिसका ये मुकाम है, वही जवाब दे सकती है। ये मेरी बेटी फातिमा का जवाब है, उसका जवाब अली तुम दे रहे हो। बदुहा महबूब तेरी अहले बैते अधार के मर्दों की कसम, वल्लैल और तेरी अहले बैते अधार की औरतों की कसम। कैसा पर्दा है? ऐसा पर्दा, ऐसा उन मुखदरात इज्जत का पर्दा है, ऐसी शान और मर्तबा है कि जिनकी नजर कभी किसी गैर महरम पर नहीं पड़ी है, वो मर्तबा मुकाम अहले बैते अधार की मुखदरात इज्जत का। इस पर एक तरीदी हदीस पाक और पेश करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ला रहे हैं, किसी काम के लिए साथ एक सहाबी, और सहाबी का नाम है हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम। नबी ने सहाबी अब्बा सल्लल्लाह जिनकी वजह से बात हुई, और ये सहाबी कौन है? ये हजरत खदीजा अल-कुबरा के फूफीजाद भाई हैं, फूफीजाद भाई है ये हजरत उम्मे मक्तूम, इब्ने उम्मे मक्तूम। और जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के मुनव्वरा से बाहर जाते तो इन्हें अपना मुसल्ला इमामत देकर नबी पाक बाहर तशरीफ ले जाते, अपना नायब बनाकर भी जाते। तो एक दिन हजरत अब्दुल्लाह बिन मक्तूम वो भी किसी काम के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ नबी पाक के पीछे घर में दाखिल हुए, आप साथ में रह गए। तो जब नबी पाक अंदर दाखिल हुए तो सैयदा तैयबा ताहिरा आगे बैठी हुई नजर, महसूस किया कि आपके साथ भी कोई बंदा औरत है। आप फौरन उठी, सैयदा फातिमा ज़हरा फौरन उठी, उठकर पर्दे के पीछे चली गई। बाप से पर्दा नहीं होता, भाई से पर्दा नहीं होता, खामा से पर्दा नहीं होता। जब देखा कि बाप दाखिल हुआ है और महसूस किया कि बाप के साथ भी कोई है, अब्बा जान के साथ भी कोई है, फौरन उठकर पर्दे के पीछे चले गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के मख्फी राजों को जानने वाले हैं, आपने अपनी इस बेटी की इस बात को भांप दिया कि मेरी बेटी ने महसूस कर लिया है कि मेरे साथ कोई है। तो आप नबी पाक फौरन उठे और अपने उस सहाबी हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम से कहा कि आप चलो, वापस चलो, थोड़ी देर के बाद जब मैं बुलाता हूं फिर तुमसे बात करता हूं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास गए, बेटी यहाँ पर्दे के पीछे आ गई हो, क्या बात है? मैं तेरा बाप हूं, बाप से पर्दा नहीं किया जाता। अब्बा जान, बाप से कोई पर्दा नहीं, मैंने महसूस किया है कि आपके साथ कोई अजनबी भी है। नबी पाक ने फरमाया, देखी वो तो नबीना है, वो तो नबीना है, बीना नहीं है, उसकी नजर नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता, इसलिए उससे पर्दा करने की जरूरत क्या है? तो सैयदा फातिमा ने जवाब दिया, मैं तो आपकी बेटी हूं ना, अगर उसकी आंखें नहीं है, आपकी बेटी की तो आंखें हैं, आपकी बेटी की तो आंखें हैं, आपकी बेटी तो देख सकती है। और बेटी की शान यह है कि जिसकी नजर कभी किसी गैर मर्द पर नहीं पड़े। बद्दुआ महबूब तेरी अहले बैत अतहार के मर्दों की कसम, वल्लैल और तेरी अहले बैत अतहार की औरतों की कसम, जिनकी नजर कभी किसी गैर मर्द पर नहीं पड़ी। आज हम उसके पाप पर आए हैं और जिनका उस रहा है वो भी सैयदा तैयबा ताहिरा की औलाद नहीं, औलाद नहीं। इस उर्स पर आने वालों, आज इस मेहमत का पैगाम हमारे लिए क्या है कि जिस तरह सैयदा तैयबा ताहिरा ने
हमारी पाए पूरा मुजफ्फरा बन जाए।